हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान ने आखिरकार किसे कहा कि वो किस आधार पर उसे टिकट देंगे, आखिर कौन कहे शख्स, चलिए आपको बताते गए। आज सुबह उदय भान के पास एक धड़ा ईश्वर चान्ना के समर्थन में उदय भान से मिलने के लिए पहुंचा, जिसमें उदय भान ने सीधे तौर पर कहा कि वो उनके मेरिट के आधार पर टिकट देंगे, आप आश्वस्त रहिए क्योंकि आप काम कर रहे गए और जो काम करता गए पार्टी उसके बारे में ही सोचते गए। उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे गए तो इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। वहीं ईश्वर चान्ना ने अपने साथ गए लोगों की उदय भान से मुलाकात कराई व अपने लोगों को भी आश्वस्त किया कि उदय भान के आशीर्वाद के साथ टिकट उनके की मिलेगी और वो भी फांसी से चुनाव लड़ेंगे। आइए जानते हैं ईश्वर चान्ना ने क्या कहा अपने पूरे इस सफर के बाद एएनटी नेशनल पर। लोग मिले गए, आपका एक धड़ा गया था उदय भान जी के पास, तो क्या बातचीत इस दौरान उनसे हुई है और क्या कहना उनका, क्या आश्वासन दिया है? ऐसा है कि पहले तो हम उनको जीत का मुबारकबाद देने गए थे उनको, क्यों मैं हम आराम से गए, इसलिए हमने कहा सब प्यारे और हमारे जितने भी प्यारे आते हैं, क्योंकि सब कांग्रेस के हमारे प्यारे ही होते हैं, तो हमारे भाई होते हैं सब, तो हम फिर आराम से जाएंगे, हम फिर आराम से गए उनको मुबारकबाद दी उनको। हमने कहा आपने जीत हुई हमारी और हमें अच्छे वोटर हुई, इतनी मुबारक देने गए, मुबारकबाद देने गए। तो कितनी देर की बातचीत चली है, कितने लोग थे आपकी टीम में? हमारी टीम में 13 आदमी थे हमारी टीम में, गए मिले से तो बात ही हुई, तो उन्होंने कहा मेरिट के हिसाब से मतलब सबको टिकट बांटी जाएगी, मतलब ये वही ने वादा किया उन्होंने, मेरे से मिले से अच्छे उनके, मैं काफ़ी समय से उनके पास जाता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ उनसे, पहले गुवानी खेड़े के भी गए थे, उन्होंने कुछ मांग की, उन्होंने बोला ऐसा है ऐसा नहीं टिकट बांटी जाती, टिकट दी जाएगी बैठ के हिसाब से, मतलब कौन कितना काम करेगा, कौन कितना जमीन पे कितना काम, काम कर जमीन से जुड़ा हुआ है उनको पहल दी जाएगी, आप जाओ जमीन से जुड़ो। तो कितने आश्वस्त हैं आप इस उनके बयान से? मैं तो इनसे पूरा आश्वस्त हूँ, मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, उनको पता भी है उनको ईश्वर चान्ना काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और मैं उनसे मिलता रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से उनके पास जाता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ उनसे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। ठीक है, आप बताइए किस तरह का रिएक्शन रहा जब आप उनसे मिलने के लिए गए हैं? अरे बहुत खूब, एक संतुष्टि हुई मन को, अपनापन भी था उनमें, बहुत बहुत हम खुशी हो गए वहाँ से आए। थैंक यू सर। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे झांसी की जनता को, पूरे हलके को? पूरे हलके को यही है कि हमारे कांग्रेस से यही है कि आप इकट्ठे हो जाएं और जुड़ जाएं, अब की बार कांग्रेस, कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका, आपका जो शुभकामनाओं का, जो आपने जो मेहनत की इलेक्शन में और इतना बेहतरीन जो रिजल्ट हरियाणा प्रदेश में आए हैं, हम हर विधानसभा में हर लोकसभा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, जहाँ हम 29% पे थे वहाँ हम 40.7% पे, 18.5% वोट हमारा बढ़ा है, उनका 11.5% घटा है, और 40 सीटों पे हमने बढ़त हासिल की जहाँ के पहले 10 सीटों पर थे, तो ये एक इंडिकेशन सीधा आगे वाली विधानसभा का, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और सभी, जहाँ तक टिकट का मामला है बिल्कुल फेयर होगा टिकट का मामले में, जो ईश्वर चंद जी पुराने अपने हमेशा जुड़े रहे हैं चीज में, तो जो उनको पूरा उनको ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद।